नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। एक ओर सेना के रिटायर्ड फौजी ने दलित परिवार पर गोलियां चलाकर कहर बरसाया, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे राजवीर और धर्मवीर को अपना ब्लड डोनेट कर संकट के समय उसकी जान बचाने का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी यशवीर सिंह भदौरिया और उसके सहयोगी रंजीत वाल्मीकि को पकड़ लिया है। इन दोनों पर दलित परिवार धर्मवीर जाटव राजवीर जाटव पर फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज है। महाराजपुरा थाने के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव ने राजवीर को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा आरक्षक नागर सिंह गुर्जर और आरक्षक कुंज बिहारी शर्मा ने भी घायलों की जान बचाने के लिए अपना रक्तदान किया है। सेना के रिटायर्ड जवान ने मामूली विवाद के चलते सोमवार सुबह पड़ोसी दलित परिवार पर जानलेवा हमला किया था। इसमें 3 लोगों को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें राजवीर और धर्मवीर सिंह की हालत गंभीर थी और इन्हें तत्काल ब्लड चढ़ाने की जरूरत डॉक्टरों ने बताई थी, लेकिन परिवार के लोग खून का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने वर्दी भी हमदर्दी भी के नारे को चरितार्थ करते हुए घायलों को अपना खून दिया। पुलिस के मुताबिक यशवीर सिंह भदौरिया पर जम्मू कश्मीर से अपना पिस्तौल का लाइसेंस बनवाने के बाद इसी पिस्तौल से फायरिंग करने का आरोप है। उसने चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर अपने हथियार को भी जमा नहीं करवाया था। देखिए, सुबह सुबह की घटना है। दोनों ही पक्ष पड़ोसी हैं और एक दूसरे के साथ उठते बैठते भी हैं। बहुत छोटे से झगड़े को लेकर विवाद बढ़ा और आज सुबह एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों को गनशॉट इंजरी थी। इमीडिएटली उनको GH अस्पताल लेकर जाया गया। GH अस्पताल के डीन और उनकी पूरी टीम ने उसमें तत्काल मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। क्योंकि गनशॉट इंजरी थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनको इमीडिएट ब्लड की आवश्यकता थी। वहाँ पे ब्लड उपलब्ध न होने की स्थिति में थाना प्रभारी महाराजपुरा धर्मेंद्र सिंह और उनके आरक्षकों ने अपना ब्लड डोनेट किया और उनके ब्लड डोनेशन के बाद उनको ब्लड चढ़ाया गया, तो दो की कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक अन्य व्यक्ति का जो घायल है उसका अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि तत्काल जान बचाने के लिए ब्लड डोनेशन की आवश्यकता थी, पुलिसकर्मी आगे आए, उन्होंने डोनेट किया है। इस घटना के जो आरोपी नामजद थे, दोनों को घटना के तत्काल बाद ही अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सभी आरोपी पकड़े गए इसमें क्या? घटना का जो मुख्य आरोपी था यशवीर भदौरिया, जिसके द्वारा फायर किए गए थे, उसको पकड़ लिया गया है। एक अन्य आरोपी रंजीत वाल्मीकि था, उसको भी पकड़ लिया गया है। बाकी केस में और अगर संलिप्तता होगी तो उसकी जाँच की जा रही है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।